हेलो या कहाँ से बोल रहे? लंदन से। अरे बाबा, लेकिन मेरे फोन में तो ISD है नहीं, कैसे आ गया फोन? अच्छा, आपके वाले में है। ओके 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 ओके, दैट्स नाइस। मैं कौन बोल रहा हूँ, पहचाना नहीं मेरे को? ओफ, एक तो बाल नहीं बनाए ना ढंग से। नहीं बाबा, छाती के इतने घुंघराले बाल है ना, 2 मिनट खारिश कर लो अपना अंगूठा फंस जाता है। बात सुन, लंदन से बोल रहे थे, भोजपुर में की बात कर रहा है क्या? लंदन लॉन्ड्री जिला छपरा। तेरी माँ का घपरा साले, फोन रख। ऐसे मेरे को अजीब अजीब नंबर आते हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। अर्चना जी, आपको बताया मैं इस देश के जो सबसे बड़े खिलमाड़ी साहब हैं उनका नौकर हूँ मैं। एक्चुअली मैं खुद हॉकी का प्लेयर रहा हूँ, आपको पता नहीं है? पता क्या, हम खुद हॉकी वालों को नहीं पता रहता कि हम किस किस के साथ खेले हैं। वो तो हम लोग जब मैच हारते हैं ना जब भी, तो शेयर करके जब रिक्शा करते तभी याद आता, वो पिंटू तू भी था मैच में, ऐसे होता है हमारे साथ। खैर, मैं सर जी आपको क्या बताऊँ, सोहेल भाई, एक टाइम होता था सर जी हॉकी इज्जत होती थी, आजकल जॉक की इज्जत रह गई बस, आजकल बचा ही कुछ नहीं हमारे अंदर। लेकिन साहब ने पैसा काफी इकट्ठा कर दिया हमारे लिए। चार हवलदार इस कमरे में और चार हवलदार उस कमरे में, चल। ए, कहाँ के जा, इतनी तो लड़कियां भी नहीं घर में। क्या? तेरे को तमीज नहीं किसी घर में कैसे घुसते हैं? अक्कल नहीं तेरे को, डाके की वर्दी पहन के पिस्तौल लगा के घूम रही है? अबे साले, मैं पुलिस वाली हूँ और यहाँ छापा पड़ा है। छापे घर पे पड़ने लगे? होटल में तो पड़ते थे, अब बंदा घर पे भी इंजॉय ना करे हैं? और मेरी बात से इधर कुछ नहीं, अभी आधा घंटा पहले आते शायद तेरे को एक आध रशियन मिल जाती। क्या? अरे गलत नहीं बाबा, अभी खिलाड़ी आए थे ना खेलने, तो होटल में सारे कमरे बुक थे, तो साहब 4 खिलाड़ियों को घर में ले आए। उनके साथ खेला हमने थोड़ा बहुत जो भी था, और जो लड़की सेकंड आई ना उसको गोल्ड मेडल भी दिया, साथ में 15,000 अलग से। अरे कोई लड़की नहीं बाबा, इधर सच बोल रहा हूँ। अबे ये उस तरह का छापा नहीं है। मेरे को पता है, उस तरह का छापा होता सबसे पहले तू ही पकड़ी जाती। हैं? मैं पकड़ी जाती? मैं कैसे पकड़ी जाती? पुलिस के आने से पहले तो मैं भाग जाया करती थी। भाग जाया करती थी। देख लो सहेल भाई, अपनी पुलिस और कहीं पे मौके पहुंचे ना पहुंचे, लड़का लड़की केस पे पूरे मौके पहुंचती है। और कभी कभी तो ऐसे मौके पहुंचती है ना कि इंसानियत पर से विश्वास उठ जाता है। साले, ये घोटाले के सिलसिले में CBI का छापा है। CBI का छापा क्यों पड़ेगा मेरे घर पे, जब मेरा अकाउंट SBI में, तो CBI का हमारे की छापा। और एक बात सुन मेरी, 3 महीने हो गए मेरे को अकाउंट खुलाए हुए, मेरा ATM क्यों नहीं आया अभी तक? मुझसे क्या पूछ रहा है, जाकर बैंक से पूछ। बैंक से पूछना पड़ता है? मेरा अकाउंट तो फेसबुक पे है, ऐसे कैसे? पुलिस वाले से मजाक करता है, हैं? साइकिल। अभी थाने ले जाकर अगर पिछवाड़े पर 4 डंडे खींच के मारोगे ना, तो पैंट टाइट होने में 2 मिनट नहीं लगेगा। तो एक अबला मर्द पे हाथ उठाएगी? तेरे को शर्म नहीं आती? तो एक ही जगह पे 4 डंडे क्यों मारेगी? एक ही डंडा 4 जगह पे मारना, अलग अलग थोड़ी वेरिएशन आएगी। एक डंडा ठक ठक करके मार, एक ठुक ठुक करके मार, एक ठुस ठुस, ऐसे वेरिएशन होना चाहिए ना बाबा। चुप कर। ये देख, क्या है? तेरे साहब के खिलाफ शिकायतों की लिस्ट है। क्या लिस्ट आई है? देख, पहली शिकायत है कि तेरे साहब ने खिलाड़ियों के कमरे में बाथरूम में 5,000 के टिश्यू पेपर्स लगाए। तेरे कौन से बाप के दुकान में 5,000 के टिश्यू पेपर्स मिलते हैं रे? आते हैं ना बाबा, कंपनी के आते हैं, मर्सिडीज कंपनी के आते हैं 5,000 के टिश्यू पेपर। उसमें क्या रहता है ना, उस टिश्यू पेपर के साइड में थोड़ा जरी का काम रहता है, थोड़ा डायमंड लगा रहता है, तो इसलिए होते हैं ना बाबा। टिश्यू पर जरी और डायमंड, उससे छिलने का खतरा नहीं रहता? रहता ना बाबा, तो साथ में बर्नौल भी देते, तभी तो बजट आया 5,000 का। चुप कर। और देख दूसरा, दूसरा इल्जाम, खेल के आखिरी वक्त तक स्टेडियम तैयार हो रहा था। बताओ, अगर स्टेडियम तैयार नहीं होगा तो खिलाड़ी खेलेंगे कैसे? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारी लास्ट मिनट तक अभी तक स्क्रिप्ट नहीं, हम लोग आए स्टेज पे, आए कि नहीं आए? वैसे बेइज्जती करा के रख दी हमारी। क्या बेइज्जती कराई है? खिलाड़ियों के कमरे तक साफ नहीं थे, एक अफ्रीकन खिलाड़ी की कंप्लेन आई है कि उसके कमरे में सांप निकला है। तो कमरे में से सांप नहीं तो डायनासोर निकलेंगे, तेरा दिमाग खराब है? तेरे को पता है उल्टा मेरे को सांप ने अलग से कंप्लेंट की है, कहता कमरे में से अफ्रीकन निकला है, बेचारा डर गया था पता है। सांप कैसे कंप्लेन कर सकता है? अरे सांप कर सकता है बाबा, इच्छाधारी सांप था वो, अफ्रीकन को देख के खरगोश बन के निकल गया दुमड़ी से, ऐसे होता है। चुप कर। और एक और कंप्लेन है कि इनॉग्रेशन के वक्त जो गुब्बारा उड़ाया था उसका बजट 40 करोड़ है। 40 करोड़ का कौन सा गुब्बारा आता है? देखो मैडम, हमने फिर भी कम लगाया, गुब्बारा 40 करोड़ 5 रुपए ऊपर था। एक्चुअली गुब्बारा 5 रुपए का था, लेकिन हमने जब फुलाया तो गुब्बारा खाली खाली लगा, हमने फिर करोड़ करोड़ की 4 BMW डाल दी उसमें, तो अभी गुब्बारा होता ना महंगा, ऐसे कैसे? बड़ा बोलता है तो एक थप्पड़ खींच के मारूंगी मैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, मेरे को पमेरियन कुत्ते से बड़ा डर लगता है, काटे चाहे ना काटे लेकिन पजामा फाड़ के ले जाता है, कभी कभी तो ऐसी जगह से फाड़ लेता दिल करता है इससे अच्छा काट ही लेता। बकवास बंद कर।
और जा अपने साहब को भेज। साहब नहीं आ सकते, साहब बिजी हैं। कहाँ बिजी हैं तेरे साहब? क्या? अरे क्या क्या कुछ नहीं, नाक का ऑपरेशन कराने लंदन गए हुए, ऐसे ऐसे कुछ नहीं। साला, हम सबकी नाक कटाकर अपनी नाक का ऑपरेशन करवाने लंदन गया हुआ है। तेरे साहब ने खेलों में ना बहुत घोटाला किया है, इस घर की तलाशी होगी। इस थैली में क्या है? थैली में क्या है? थैली में क्या है? कुछ भी नहीं थैली में। थैली में क्या होगा? थैले में स्टेडियम। अब देख ले तू साधु जैसे आदमी पे इल्जाम लगा रही है। थैले में कच्चे होना चाहिए, कच्चे नहीं बेचारे ने स्टेडियम रखा हुआ। और सुना कितना भोला आदमी है वो। अबे कच्चे की जगह करोड़ों का स्टेडियम रखा है, वो तुझे दिखाई नहीं देता? तो तेरे को क्या लगता है करोड़ों रुपए कच्चे से ज्यादा होता है? एक बात सुन मेरी, सड़क पे जा रहा ना आदमी, उसका करोड़ रुपया गिर जाएगा तो फिर भी मिल जाएगा, चलते हुए आदमी का कच्चा गिर जाए इज्जत वापस नहीं मिलती है। क्या समझती तू? कल बताइए सड़क पे ऐसे ही जा रहे थे, कुछ पहना नहीं हुआ था। मैंने कुछ तो पहन, कच्चा तो पहन ले। कहता बाजी पहन तो उन, लेकिन झाड़ी वाड़ी तो मिले जिसके पीछे छुपके पहनो, सब देख रहे हैं। चुप कर और मुझे तलाशी करने दे। ये क्या है? ओए होए, अंकिता लोखंडे की तस्वीर है? ये इसको हाथ नहीं लगाना, मेरे को सर्दी लग रही है। ऐसे गुस्सा मत कर तू, मेरी बात सुन। ये मेरे साहब की गुरु है, बताए मेरे साहब बड़ी पूजा करते हैं इसकी। मेरे साहब ने इसी से सीखा है कि मुफ्त में पैसे कैसे कमाने हैं। वो तो दिखाई दे रहा है, तभी तेरे साहब इतना कमीना निकला है कि तेरे साहब की वजह से खिलाड़ियों को स्टेडियम नहीं मिला, खाने को खाना नहीं मिला और हमें ओलंपिक में गोल्ड नहीं मिला। ए गोल्ड तो मैं ही ले आता अगर मेरे को हॉकी से बाहर नहीं निकालते तो। क्यों निकाला तुझे हॉकी से बाहर? मेरे को क्या पता, मैं तो हॉकी लेके मैदान में गया, मैच शुरू हो गया था। मैंने कहा बाबा मैच शुरू हो रहा, स्टेडियम में स्टंप तो गाड़ो, और गाड़ मेरे को बाहर निकाल दिया, मैं तो समझ नहीं आया। हॉकी में स्टंप, तभी इन सालों को ना गोल्ड नहीं मिलता है, कोई नॉलेज ही नहीं है। क्यों नॉलेज नहीं मेरे को? ये देख 25,800 का भाव चल रहा है आज का। कल ही मैंने भैरव भाई के यहाँ से 2 तोले की चेन बनाई, तेरे को मतलब गोल्ड का नॉलेज नहीं मेरे को? अबे साले, इस गोल्ड की बात नहीं कर रही हूँ। तो किस गोल्ड की बात कर रही है? विदेश से जो खिलाड़ी आए हैं निशाना लगाने के लिए, उनमें से कुछ खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल मिला, लेकिन वो गोल्ड मेडल कहाँ गया उसका कोई पता नहीं है। देख मेरे को एक तो बात समझ में नहीं आती है, ये खिलाड़ी इतनी दूर से आते कि गोल्ड लेने, वहाँ पे नहीं मिलता क्या? दुबई ड्यूटी फ्री भी इतना अच्छा प्योर गोल्ड मिलता है। और मेरी बात सुन, यहाँ पे निशाने वाले आए थे, उनका गोल्ड मेडल घुमाना, 4 निशाने फायर खींच खींच के मारो ना एक ही जगह पे, तब जाके गोल्ड मेडल देते हैं। और मेरा पता है, मैं कल ज्वेलर की दुकान पे गया है कि फायर किया कितना सारा गोल्ड लेके आया हूं मैं। एक फायर में इतना सारा गोल्ड? तेरे को यकीन नहीं है? नहीं। अभी देख तेरे को एक फायर में क्या लेके देता हूं मैं। ए अर्चना, अगर तूने मुझे सही सही नंबर नहीं दिए तो मैं खुदकुशी कर लूंगा।